जायस रेलवे स्टेशन के पास ये खाना बदोश परिवार यहाँ पर 2 महीने से लगभग रह रहा है। खाना बदोश क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग फूल बेचते हैं, गुल्ले का आइटम बेचते हैं, माल बेचते हैं। अच्छा, बेचते हैं। सदर बाजार से लाते हैं, सदर बाजार दिल्ली से लाते हैं। यहाँ गांव गांव बेचते हैं, गांव गांव शहर। घर कहाँ है आपका? घर तो राजस्थान है। राजस्थान से आप यहाँ आए हैं। तो ये जो बंद हो गया है लॉकडाउन, इसकी वजह से क्या दिक्कत है आपको? खाने पीने का दिक्कत है बाबू, और क्या है? खाना नहीं मिल रहा है? आटा दाल चावल चाय बिस्कुट बाल बच्चों के लिए यही तो है। सरकार भेज रही, आप लोग को मिला? कहाँ मिला जी? तो कोई आया था आप लोगों को आटा चावल दे गया? हाँ, कितने लोगों को दिया है? 4-5 लोगों को दिया। 4-5? कितना कितना दिया है? 10 किलो आटा, 5 किलो। 10 किलो आटा, 5 किलो चावल। हाँ, ये शायद प्रदीप सिंघल थे। हाँ, मोटे से थे, काला सारा। हाँ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, उन्होंने सरकार की तरफ से कुछ? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। और क्या दिक्कत है आप लोगों को? खाने का दिक्कत है, काहे का दिक्कत है? खाने का दिक्कत है सबसे ज्यादा। कुछ नहीं है। आप लोग का राशन कार्ड है कहीं? नहीं है। राजस्थान में? नहीं है। और बैंक में खाता? नहीं है कुछ। तो ना बैंक में खाता है आपको, ना राशन कार्ड है, तो कुछ भी नहीं है बाबू। अब इनको कैसे सरकारी सहायता मिलेगी जिनका ना बैंक में कोई खाता है, ना राशन कार्ड है, और राजस्थान से यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी आजीविका के लिए भटक रहे हैं। उधर पानी का दिक्कत है, अनाज का दिक्कत है, इसके लिए।